भाईजान, ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है कि हमने इन दोनों को पकड़ा है। ये बात तो सही है। एक बात बताइए भाईजान, ये जो बिरयानी हमने पकाई ये आर्मी वालों को दे देंगे? ऐसे बदसात ख्याल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? ख्याल दिमाग से निकाल दो, कभी नहीं देंगे। लेकिन भाईजान, हम अपने लिए दुश्मनी मोल लेंगे अगर इन दोनों को आर्मी के हवाले ना किया। देना, अब क्या खाएगी? कि ये मेस तो अच्छा है, क्या क्या मिलता है यहाँ पर है? अब देखो बेना, है ना, चिकन बटर मसाला, चिकन तंदूरी, चिकन आ बधो शू छे, क्या है ये? देखिए बेटा, हम लोग तो वेजिटेरियन है। मामा जी, नेक्स्ट पेज वेजीज का। चलो चलो, है बेना, है वेजिटेरियन भी है। देखो, इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, उत्तप्पा सब है, क्या खाएगी? मैं तो मसाला डोसा खाऊंगी। देखिए बेटे, तुम क्या खाओ? नहीं, मैं बाद में ऑफिसर्स के साथ, आप लीजिए ना प्लीज। मैं भी मसाला डोसा। एक्सक्यूज मी, तू मसाला डोसा? देखिए बेटा, वो पुरानी बातें सब भूल जाना, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा था, है ना? कोई बात नहीं आंटी, आप बड़े हैं मेरे। डायो छोकरो छे ने? अने हाँ विकी, दिख रहा वो तुम्हारा, तुम्हारे वो जो सी, हाँ सीओ, सीओ, हाँ सीओ साहब, उनकी मैसेज को भी मुझे मिलना है। हाँ श्वेता मैम, ठीक है, मैं आपको श्वेता मैम से ही मिलवा दूंगा। हाँ, वो क्या है ना कि मैंने उनके साथ भी एकदम रूडली बात की थी ना, इसलिए। जी सुबह सर, ठंड काफी हो गई है। गैरी सर? हाँ सदा मियाँ। सर आपकी इजाजत हो तो कुछ गाना वाना हो जाए। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे जो दिल में आता है करो यार। वे दीवान शुरू हो जाओ। वो नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। अरे ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, वहां पे एक्टिविटी है। कौन? दोनों को लगी है? नहीं सर, एक को लगी है। इन दोनों को क्वार्टर्स गार्ड लेके जाओ फर्स्ट। जी सर, चलो जल्दी जल्दी। बी ऑन अलर्ट। कमाल है, ये दोनों एलओसी की तरफ क्यों जा रहे हैं?
वो क्या है ना कि मैं टेंशन में थोड़ा ज्यादा खाती हूँ। वैसे खाना एकदम टेस्टी है, मैं भले कैसा भी हो पर खाना एकदम फर्स्ट क्लास है। आंटी अंकल मान गए क्या? अंकल अब वो बने बिलाव की बात कर रहे हैं। हो दीजा के पापा की बात कर रहा है। क्या है ना विक्रम बेटा कि मैंने तो फैसला कर दिया है कि मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगी, तो खलास मैं सपोर्ट करूंगी। ऐसे खबर से ये सब ना तीरू मामा की वजह से हुआ है। नहीं नहीं बहना, मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया। तुम सब लोग सुबह शाम लंच डिनर इधर ही करते हो? जी आंटी। वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल भी है ना? जी आंटी। पर किचन तो अलग अलग होगा? जी नहीं आंटी, किचन एक ही है। सर यस सर ओके सर इमरजेंसी। ठीक है सर, मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ सर। एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे भी जाना होगा, इमरजेंसी। देखिए हम समझते हैं बेटा। नहीं नहीं जाओ, ड्यूटी पहले जाओ। इमरजेंसी अगले फिर से लड़ाई हुई? नहीं आंटी, एक्चुअली ड्यूटी पे जाना है, मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। भले हाँ, नमस्ते आंटी। बाय हो, जय श्री कृष्ण, ध्यान रखिए। तो भाई ये फौज की नौकरी ना फिर तो समझ में ही नहीं आती है। ए भाई जरा यहाँ में। जी मैम। आइए, खाना तुमने कहाँ पर बनाया? जी किचन। रहने देना बहना। नहीं नहीं भाई तुम जाओ। हाँ तब भाई। हाँ पता नहीं ये डोसा किसका बनाया हुआ है। बिना एक काम करना, घर पे जाके ना गंगा जल से स्नान कर लेना। क्या भाई इसे तो मुझे पता है कि मसाला डोसा ही है जो बराबर जोयू में। मसाला डोसा ही है। मसाला डोसा ही है। सर ऐसा क्या हो गया कि जो आपने इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलाई और आप बहुत ही वरीड और अपसेट लग रहे हैं? Gentlemen, it is disturbing and it is urgent. Sir, any news about our missing officers? ये confirm हो गया कि हमारे दोनों officers जिहादीस के पास हैं। Sir, उनकी army का कोई involvement? नहीं इंदर, दुश्मन army का कहना है कि वो लोग इसमें involved नहीं हैं, ना ही they are responsible for the officers. That is it. Sir, इसका क्या मतलब हुआ? आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये जिहादी कैसे पहुंच सकता है? सर वे लोग झूठ बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप लोग जेंटलमैन, ये बात तो है कि जिहादी लोग उनके आर्मी के सपोर्ट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन उनके आर्मी ने ये मैसेज क्लियरली दे दिया है कि हमारे ऑफिसर्स की सेफ्टी उनका कंसर्न नहीं है और वो लोग जिहादी से अलग हैं। पर सर ये यस पीके, अब यह मामला हमारे यानी कि आर्मी और उन जिहादियों के बीच का मामला है। सर इसका मतलब यह है कि अभी हमें जो भी मूव लेना है वो हमारा इंडिपेंडेंट प्लान ऑफ एक्शन होगा, राइट? सर वी आर ऑल रेडी, आप बस बताइए कि क्या करना है, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। वी विल हैव टू प्लान समथिंग सून। मीनवाइल एक गुड न्यूज है, गैरी और सुब्बू ने LOC के पास से दो लोगों को कैप्चर किया है। उन दो लोगों को इंटरोगेट करते हैं और देखते हैं, देन वी टेक इट फ्रॉम देयर। सर प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ये काम मुझे दे दीजिए। I'm very sure that I'll get some information out of them. Definitely, sir. Please, sir. हाँ सर, उन पे प्रेशर आएगा तो तोते की तरह बोलेगा। Yes, sir, बोलेंगे। Relax, relax, gentlemen. कोई हड़बड़ी नहीं। We'll take it easy, right? इंदर, तुम उन दोनों captives को interrogate करोगे। Yeah, let's see what we get. That's all for now. कोई शक? No, sir. All right, thank you, sir. Thank you so much. जय हिंद।
जय हिंद सर। जय हिंद साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो जिले सिंह, क्या बात है साहब? वो हाँ हाँ बोलो बोलो, जिसको मत बताओ क्या बात है साहब। अगले महीने मैं रिटायर हो रहा हूँ। जिले सिंह, सिर्फ फौज से रिटायर हो रहे हो, जिंदगी से नहीं। साहब मैंने फौज को 25 साल दिए। ये तो तुम्हारे लिए फख्र की बात है। जी साहब। मुझे तुम पर नाज है, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत मुस्तैदी से निभाई। शुक्रिया साहब। सीओ साहब ने तुम्हारे सारे पेपर साइन कर दिए। जी साहब। तुम्हारी पेंशन और बाकी सारे फंड बहुत जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे। जी साहब। देखो जवान, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाई, आगे भी यही रस्म जारी रखना। फौज का नाम कभी बदनाम मत होने देना। साहब अब मैं क्या करूं, सारी जिंदगी तो फौज को दे दी और अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूं कि घर जाकर बैठ जाऊं और कोई मुझे नौकरी भी देगा तो चौकीदारी की। साहब मैं करूंगा क्या? ठीक है आओ बैठो। ठीक है जिले से, तुम बताओ तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? साहब मेरे सारे रिश्तेदार तो गांव में और मेरा समाज यहां पर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी फौज गांव से दूर, मेरा घर तो मेरी फौज है। मैं यहां से जाना नहीं चाहता साहब, मैं वापस गांव जाकर कैसे बसूंगा? मुझे यहाँ के कायदे कानून मालूम और मेरे अंदर कोई आलसपन भी नहीं है, और वहाँ गांव के लोग उनका रहने का ढंग ही अलग है। ठीक है जिले सिंह, मैं तुम्हारे मन की बात समझ रहा हूँ। मैं सीओ साहब से खुद बात करूंगा। यहाँ फौज में तुम्हारे लिए कुछ हो ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे मन का काम तुम्हें मिल जाए। शुक्रिया साहब, मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून दिशा की मम्मी और मामा जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बराबर, बैठिए ना। हाँ थैंक यू भाई। तुम भी बैठो। थैंक यू मैम। सॉरी हाँ श्वेता बेन, हमने आपको परेशान किया है ना? नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रही थी। विकी ने फोन करके बता दिया था आप लोग आने वाले। हाँ वो क्या है ना कि बेटी का मामला है तो हम खुद आए तो अच्छा लगता है ना। कई जगह पर ऐसा रिवाज है कि बेटी वाले आते हैं, पर आर्मी में तो बेटा बेटी सब बराबर। रिवाज तो ठीक है श्वेता बहन, हमारा तो सब उल्टा ही है, हम बोलते पहले हैं और फिर सोचते हैं। हाँ थैंक यू रहमान। रहमान इतने मतलब मुसलमान चलता है? इंसान सब एक बराबर होते हैं, इसमें हिंदू या मुसलमान क्या? हाँ श्वेता आपने ठीक कहा बेना, ये जो जूस है ना वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ले ले। बराबर है मोटा भाई, पर मोटा बेन मैं तो खाली वेजिटेबल ही खाती हूँ। जूस हमेशा वेजिटेरियन ही होता है, आप बेफिक्र रहें। हाँ ये तो बराबर है, बुरा मत लगा ना श्वेता बेन, पर क्या है ना कि पूछ लेना और बता देना अच्छा होता है ना। वो सूप भी तो आता है जिसमें वो चिकन कुछ रहता है, तो मैंने सोचा। जी मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ये बताइए आप लोग लंच में क्या पसंद करेंगे? अरे ना रे ना, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हम सब कुछ बाहर ही करते हैं। वो आपके कैंपस के बाहर वो वेजिटेबल रेस्टोरेंट है ना, उधर ही। हाँ आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर जो भी ऑर्डर करेंगे आपको वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा। नहीं नहीं श्वेता बहन, खाना पीना इतना महत्व का नहीं है, रिश्ते महत्व के होते हैं। मैम आंटी खास आपसे मिलने आई। हाँ
वो इतनी दूर से आए हैं और आपको मिले नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना? ज्योति जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई, नहीं तो बस फोन पर ही बात हुई थी आपसे तो। हाँ श्वेता बेन, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया था ना, कैसे बात की थी आपसे? कोई बात नहीं ज्योति जी, ऐसी सिचुएशन में ये सब तो होता ही रहता है, छोड़ी पुरानी बातों को। हाँ पर ये संस्कार अच्छे थोड़ी होते, ऐसा कोई थोड़ी बात करता है। और आप देखो, आपने कितने अच्छे से हमको आवकार किया है ना? बहना का मतलब है कि कितना वार्म वेलकम दिया इनको। जी अब ये सब पुरानी बातें छोड़िए, और अब तो विकी और दिशा की शादी हो ही रही है। हाँ, विकी और दिशा की शादी तो मैं करवा कर ही रहूंगी, ये मेरी जिद है। जिद है मतलब? जिद मतलब दिशा ने पापा ना कहे थे ना, मेरा मतलब है कि उन्होंने अभी तक हाँ नहीं किए ना, तो उनकी मंजूरी लेने की बाकी है, बस एक बार हाँ बोल दे फिर इन दोनों की शादी करवा दूंगी। हाँ बेना, बनेवीलाल की मंजूरी मिले ना मिले, श्वेता बेन विकी और दिशा की शादी होकर ही रहेगी। देखो तुम दोनों अपना नाम बताओ या ना बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों सीधे सीधे सारे सवालों का जवाब दो, वरना अच्छा नहीं हो। हम आपसे कब से कह रहे हैं कि हम आप ही के मुल्क के, पर आप मान ही नहीं रहे। अगर आपको हमें रिमांड पर भेजना ही है और मारना ही है तो वही सही। तुम दोनों ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो। इसमें होशियारी क्या है, हम लोग तो आपके कैद में हैं। सर ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सर आप मुझे इजाजत दे दीजिए इन लोगों से मालूमात करने की। कहा था ना साहब कि आप हमारे हाथ पांव तोड़ना चाहते हैं, पर हम भी तैयार हैं। अब पता चला कि हमने गोली क्यों चलाई थी। मेरा बस चलता था तुम दोनों को उधर ही गोली मार के ढेर कर। ना 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 बिल्लू सिंह ना। सर क्या बात कर रहे हो, शक्ल देखो इनकी, गुनेगार लगते हैं तुम्हें, मासूम है बेचारे हैं। इनको मार पीट के कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ये तो बेचारे यूं ही भटकते भटकते सरहद पार आ गए थे, है ना? हम सरहद पार के नहीं, यही आपके और हमारे मुल्क के हैं। अच्छा आप वो जो पीपलपुर गांव है ना, हम दोनों वहीं के। आप चाहो तो वहां जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा दोनों पीपलपुर गांव से आए हो। पीपलपुर गांव तो सरहद से काफी दूर है, पर तुम लोग एलओसी के इतने करीब कैसे पहुंचे? क्या ऊपर से तुम दोनों ने आर्मी पे फायरिंग की हा? जब उन्होंने तुम्हें रोका, अगर प्यार से रुक जाते तो आज यहां नहीं खड़े हो। साहब हम डर गए थे, मैं लगा कि आर्मी वाले हम पे यकीन नहीं करेंगे। कोशिश तो करते, डर के मारे हमने गोली चला, वरना हम कभी नहीं चलाते। हम भी समझते हैं साहब कि फौजी हमारी रक्षा के लिए वहां है, मानते हैं कि हमसे गलती होगी। आगे से कभी गलती नहीं होगी। मुझे तुम दोनों पर यकीन है कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे गलती तो इंसान से ही होती है ना साहब। हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, पूरे घर का बोझ हम ही पर है, घर में
बूढ़े माँ बाप और बीवी बच्चे हैं। दोनों बीवी बच्चे वाले, तो बीवी बच्चे वालों काम कर रहे हो। मैंने पूछा काम क्या करते हो? साहब हम दोनों अफीम की तस्करी करते हैं साहब। पता है साहब ये गैर कानूनी है, मगर पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है। मानता हूं, सब कुछ पेट पालने के लिए तो इंसान करता है ना? ये बात बताओ, ये जो तुम अफीम की तस्करी करते हो ये सरहद के किस एरिया में होता है? बॉर्डर पर तो आर्मी का पहरा होता है, हम लोग बॉर्डर के पार जाते हैं, पास वाले गांव में जाकर करते हैं। और वहीं पर लोग आते हैं और खरीद बेच हो जाती है। बस जैसे जाते हैं मौका देखकर वापस आ जाते हैं। ठीक, ये सारी बातें जो तुमने मुझे बताई ये सब बड़े साहब के सामने भी बोलनी पड़ेगी। हैं? अगर सब कुछ साफ साफ सच सच बताया ना तो हो सकता है कि तुम्हारी सजा कम हो जाए। जी सर। बिल्कुल सही। सर दोनों को ले जाओ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स फर्दर इंटरोगेशन। जाओ। चल सर। चलो। सर 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 आप ठीक तो है? वेयर इज पीके? सर पीके सर को गोली लगी है सर, वो यहां पर है। शिट। पीके जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। हरी अप डोंट लेट। हेलो डॉक्टर, कैप्टन पीके को गोली लगी है, ही हैज बीन इंजर्ड। Yeah.